नमस्कार दोस्तों, गुड ड्राइवर ऑफिशियल चैनल में तमारा बधानु स्वागत है। दोस्तों आज दो दिन के बाद फाइनली हमारा गाड़ी लोड होना स्टार्ट हो चुका है। दो दिन से यहीं पे आके हम बस वो क्या के इन लोगों का मटेरियल तैयार नहीं था दोस्तों, इसलिए हमको दो दिन का रात भर यहीं पे सोना भी पड़ा है हमको दोस्तों। ठीक है, चलो हम आपको दिखाते हैं हमारा गाड़ी लोड हो रहा है। ठीक है, और ये कंपनी का नज़ारा है, देख लो, ये हमारा गाड़ी है। लोड होना स्टार्ट हो चुका है। हाँ, लोड कर रहा है। ये हमारे सिक्योरिटी साहब है, देख रहे सारा मटेरियल हमारे में लोड होगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अब लोडिंग के बाद। हाय गाइस, अभी रात के बजे 10 बजे हमारा गाड़ी लोड हो चुका है। अभी हम कंपनी से बाहर निकल चुके हैं और ये GIDC पार करेंगे अभी, तब तक 10 बज जाएंगे तो फिर नो एंट्री भी खुल जाएगी हम लोगों की। ठीक है, चलो हम आपको मिलते हैं आगे। अभी आपको नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का गार्डन का। ये अभी कुछ काम के लिए लाइटिंग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, वरना बहुत बढ़िया गार्डन है। देखो गाइस, अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही खतरनाक हुआ है। देखो यहाँ से ठोका हुआ है, पूरा का पूरा गाड़ी वाला TN तमिलनाडु का कहीं पक गया। ये देखो दोस्तों, अभी रोड बनने का काम चालू है पूरा। अभी रात के बज गए 12 और हम बैठ गए अभी होटल में, चुका है खाने के लिए सहयोग होटल। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया होटल है, देख सकते हो। सहयोग होटल, अभी आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाएंगे। हाय गाइस, अभी खाना खा के निकले अभी, और चलो लंबा लंबा ठेलरिया। नमस्कार दोस्तों, अभी आज ये भरूच का टोल टैक्स है, नया बनाया हुआ। हाँ मासी, अभी मासी आज भी दे
फिर से बंद हो गया। वो आगे वाला गाड़ी गया ना, वो फ्री निकल गया उसका, वो घंटा बुला दो जगह हुआ ना भी 8 बजे गया। गोल लाइन का ये ब्रिज बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टू लाइन का है बड़ी गाड़ियों वाले के लिए। फिर उसके बाद तीसरा पुल है, वो दो लाइन का है फोर व्हील व्हीकल के लिए। अभी यहाँ पे कुछ लफड़ा हुआ लगता है, नारायण मंदिर और पूरा चक्का जाम हालोर। महिसागर नदी का जो ब्रिज है उसका भी काम चालू है, ये आप देख सकते हो, महिसागर नदी है उसका भी ब्रिज का काम चालू है। Hey guys, देखो ओवरलोड होने की वजह से टायर फट गया गाड़ी का, ये देखो। Hey guys, फाइनली हम लोग आज पहुंच गए अहमदाबाद, अपने एरिया में पहुंच के थोड़ा सुकून सा मिलता है। फिर भी अभी भी हमारा घर यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी है, घर में पहुंचने के लिए अभी भी 100 किलोमीटर काटना पड़ेगा, गाड़ी 100 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई शादी का सीजन आ चुका है, देख लो नीचे वाले भैया। ठीक है, ये सानंद पहुंचने को आगे, अभी सानंद में भी सीधा जाएंगे तो नो एंट्री है। भाई दोस्तों हम घर पहुंचने को आ गए हैं, अब भैया कंपनी में गाड़ी छोड़ के हम अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, और सब्सक्राइब जरूर करना।